जी अस्सलाम वालेकुम जी। कारी साहब क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी गाई साहब, जब तक बाकी क्लास नहीं आ जाती तो आप अपने जो दो मसाइल थे वो डिस्कस कर लें, क्योंकि आजकल क्लास हमारी थोड़ा सा मैं लेट आ रहा था तो इसलिए क्लास लेट ही आती है। 9:10 तक हम इंशाल्लाह वेट करते हैं। जी काई साहब, रजा, हमने हमारे कोई क्वेश्चन थे, कोई दो क्वेश्चन थे ना आपके, दो दो चीजें आप देखना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे। आज मेरे पास अपना सेल भी नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर क्या बात कही थी आपने, जरा डिस्कस कर लें। अच्छा, मोनोपलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हमारी डिस्कशन हो चुकी थी कि मोनोपलिस्टिक कंपटीशन में है क्या चीज है। आपका कंपटीशन का एलिमेंट भी है और मोनोपली का भी है। कंपटीशन का एलिमेंट भी और मोनोपोली का भी है। कंपटीशन कैसे है? कंपटीशन इसलिए है क्योंकि उसके करेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि मैनी सप्लायर्स, मैनी सप्लायर्स, मैनी बायर्स, वो उसके करेक्टरिस्टिक्स में है। तो जहां पे बहुत ज्यादा सप्लायर्स होंगे एक ही प्रोडक्ट के, तो डेफिनेटली वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे सेल करने के लिए। कंपटीशन है तो कंपटीशन इज देयर। उस कंपटीशन से अपने आप को अलग करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कोई अपनी एक प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करते हैं। ये हमने डिस्कस किया था, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, याद है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है कि वो कहते हैं जी कि हमारी प्रोडक्ट, आप सोप इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे जैसा सोप कोई नहीं बनाता, आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं हमारे जैसा टूथपेस्ट कोई नहीं बनाता, आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं पानी, आप हमारे जैसा पानी कोई आपको नहीं पेश कर सकता, तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करेंगे। इसमें ओनली इंक्रीज इन फर्म कास्ट एंड कंज्यूमर इनकम नहीं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर आप वो रजा कहीं पे हमें बता सकें कि कौन से एरिया की डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म की कॉस्ट और कंज्यूमर जो रेवेन्यू था, क्योंकि हम हमेशा जब भी किसी मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम आपकी फर्म की कॉस्ट, दिस इज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, इसकी डिस्कशन करते हैं। यहां पे कोई इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग का इश्यू है? कॉस्ट में हम ये बातें करते हैं, ये कॉस्ट से रिलेटेड है। जो कॉस्ट हमारी, चाहे वो मोनोपोलिस्ट कोई सा भी एलिमेंट हो,
फैक्टर हो उसके अंदर कॉस्ट को फर्क नहीं पड़ता, कास्ट की जो शक्ल हैयत है, कॉस्ट के जो मामलात हैं वो यही हैं, चाहे ये परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे आपका ये मोनोपोलिस्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, हर एक के अंदर आपकी कॉस्ट के एलिमेंट यही रहते हैं, ओलिगोपोली हो, कॉस्ट आपकी यही रहती है। ठीक है जी, कंज्यूमर से जो हमें इनकम आती है, फर्म को जो इनकम आती है, कंज्यूमर को नहीं, जो फर्म को इनकम आती है वो हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हमें हमने ये देखा था कि मोनोपोली के अंदर क्या था। मोनोपोली के अंदर वी हैड दिस, दिस इज एम आर एंड दिस इज ए आर, मोनोपोली के अंदर। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर इसने सिर्फ फ्लैट हो जाना है, एम आर ए आर, एम आर ए आर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ओनली डिफरेंस इन रेवेन्यू ऑफ द फर्म, क्योंकि यहां पे हम फर्म के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे, फर्म को डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 5 के अंदर। तो रेवेन्यू की सिचुएशन क्या होगी, दिस इज गोइंग टू बी मोनोपोली, ये जो एलिमेंट ये मोनोपोली के अंदर था, और दिस इज रिलेटिंग टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्लियर है काजी साहब? जी, अब ये तो मैंने डिफरेंस किया कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये मोनोपोली की बातें हैं। अब आपने कहा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बातें बताइए कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम में क्या आता है, आपको कॉस्ट एंड रेवेन्यू को देखना पड़ेगा कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू कहां पे हैं। तो उसके लिए वी विल हैव लाइक दिस आवर, दिस इज एम आर एंड दिस इज ए आर, ये एम आर और ए आर है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एम आर और ए आर हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इधर वी कैन हैव फुल प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट की कंडीशन चेंज हो सकती है, और लेट्स मी सी पेज ताकि मुझे ना बनाना पड़े इसके ऊपर। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ गया, क्लियर है जी, यही है इसकी बात कर रहे थे। अब ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ गया, एमआर और एआर जी, पेज 160, ये एमआर और एआर जो आपके पास आ गए हैं, ये एमआर और एआर यू कैन ड्रॉ, आप यहाँ पे जो एमआर एआर आपके पास थे आप इसी की बेस के ऊपर ये AC and this is your MC, ये AC और MC है आपके पास, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, MC is equal to MR, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपका रेवेन्यू है, प्राइस है, और ये आपकी कॉस्ट है। इतनी प्राइस पे आप इक्विलिब्रियम के ऊपर आप चार्ज कर रहे होंगे, और इतनी प्राइस कॉस्ट के ऊपर होगा, क्लियर है। यहाँ पे भी यही आ रहा है, this is MR, this is AR, this is AC, this is MC, जहां पे MC is equal to MR हुआ, ये equilibrium point आया, ये आपकी cost आएगी, ये आपका price आएगा, revenue आएगा, clear है जी दादा? तो MR
और MC का इंटरेक्शन दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा आपका जी. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मनी. और जब भी आपने फर्म के हवाले से बात करनी है, कंज्यूमर का इसमें जिक्र नहीं करना. आप जब डिस्कशन कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, आप कह रहे थे कंज्यूमर की इनकम और कंज्यूमर का कॉस्ट, तो कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे. यहाँ पे हम फर्म का प्रॉफिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द फर्म, उसकी डिस्कशन कर रहे हैं. तो हमें यहाँ पे कंज्यूमर का नाम कभी भी यूज नहीं करना. अगर हम कंज्यूमर का नाम यूज करेंगे तो दैट विल बी ए सिन. यहाँ पे हम फर्म के इक्विलिब्रियम की बातें करते हैं, इसलिए दिस चैप्टर यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग और अबाउट योर आस्किंग द क्वेश्चन. अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कॉन्सेप्ट नहीं ठीक होगा, आपके क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन आएगी. ठीक है. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज चैप्टर 11. और चैप्टर 11 में वी विल बी स्टार्टिंग विद मनी. जी काई साहब, लेट्स मूव ऑन, स्टार्ट कर लें, आगे की तरफ जाएं. कोई आपका और मजीद बात तो नहीं रहेगी? नो सर, चलें, ग्रेट. अच्छा, मनी क्या है? व्हाट इज मनी? मनी को या रकम को, जो उर्दू में हम रकम कहते हैं, उसको समझने के लिए हमें उसकी एब्सेंस को समझना पड़ेगा. क्योंकि मनी को आप वैसे नहीं समझ सकते कि व्हाट इज मनी. अगर मनी ना हो तो क्या होता? और मनी के फंक्शंस की वजह से वो जो एब्सेंस ऑफ मनी, उसके जो डिफिकल्टीज थी, उनको हमने कैसे ओवरकम किया, तो उससे हमें मनी के की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकेगी. इफ वी कैन हैव टू बिल्ड दैट अंडरस्टैंडिंग, वी शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट द सिचुएशन वेयर एब्सेंस ऑफ मनी. एब्सेंस ऑफ मनी में क्या होता था? जब मनी नहीं थी तो पहले क्या था, क्या होता था भाई? मनी के बगैर क्या होता था? रकम के बगैर लोग आपस में लेन देन, ट्रांजेक्शन्स कैसे करते थे? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बार्टर सिस्टम जिसको कहते हैं, बार्टर होता था. लोग कहते थे यार अच्छा मेरे पास, जी बार्टर सिस्टम, बार्टर कर लेते थे. लोग कहते थे यार मेरे पास एक चेयर है, मुझे एक टेबल चाहिए, ऐसा करें आप दो चेयर मुझसे ले लें, एक चेयर एक टेबल दे दें. यार मेरे पास आलू हैं, आप और मुझे जो है ना कुछ गंदम चाहिए, तो आप इतना करें मुझसे कुछ आलू ले लें और मुझे गंदम दे दें. तो करते क्या थे? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड. बार्टर के अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स. लेकिन इस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती थी, कुछ मसाइल आते थे. उन मसाइल, वो क्या मसाइल थे? वो मसाइल ये थे, बार्टर सिस्टम के अंदर, बार्टर सिस्टम में देयर आर मैनी सेवरल प्रॉब्लम्स विद बार्टर.
क्या था जी, एबिलिटी टू एक्सचेंज, को इंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत थी, एबिलिटी टू एक्सचेंज के लिए को इंसिडेंस ऑफ वांट। अच्छा जी, अब ये क्या बात हमने कही थी, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ये है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल आई हैव सम वीट एंड आई नीड सम कॉटन, सो मुझे दो ऐसे शख्स को ढूंढना पड़ेगा जो जिसके पास कॉटन मौजूद हो, पहली बात, उसके पास कॉटन प्रेजेंट हो, एंड सेकेंड थिंग ही नीड्स सम वीट, उसको वीट की जरूरत है, तो फिर तो वो मुझे कॉटन दे देगा। मैं उसे कहूं यार अच्छा मुझे पास एक किलो गंदम ले लो और एक किलो मुझे कॉटन दे दो, वो कहेगा यार पहले ही मेरे पास काफी सारी गंदम मौजूद है तो मैं आपसे गंदम मजीद क्यों लूं, मुझे तो जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड योर वीट, Why should I transact? वो सबसे पहले उसको प्रॉब्लम आएगी। तो जो शख्स जिसके पास गंदम नहीं होगी उसको मैं कहूंगा कि ना मुझसे आप एक किलो गंदम ले लें और एक किलो मुझे अपनी कॉटन दे दें, कपास दे दें, तो he will be very happy. Okay, का जरूर जनाब क्यों नहीं। तो कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत होगी बार्टर के सिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए, कि एक शख्स के पास जो चीज मौजूद है दूसरे शख्स को उसकी जरूरत है, और दूसरे शख्स के पास जो चीज मौजूद है पहले शख्स को उसकी जरूरत है। अगर ये कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा बार्टर सिस्टम काम नहीं कर सकेगा, बार्टर सिस्टम में आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं कर सकेंगे। तो एबिलिटी टू एक्सचेंज, फाइंडिंग समवन हु हैज द अपोजिट नीड्स टू यू इज प्रॉब्लमेटिक इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, रेट ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड थिंग जो हमारे लिए प्रॉब्लम आती है कि जनाब मैं उससे कह रहा हूं आई विल ट्रांजेक्ट विद 1 kg ऑफ वीट फॉर 1 kg ऑफ कॉटन, ओके का भाई जान आप किस दुनिया में रह रहे हैं, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस एक्सचेंज रेट, आई विल ट्रांजेक्ट 1 kg ऑफ कॉटन अगेंस्ट 2 kg ऑफ वीट, दैट इज माई फाइनल ऑफर। तो एक्सचेंज के लिए जो वैल्यू मुकरर करनी है वो हर एक के लिए अलग अलग है। किसी शख्स के लिए हो सकता है वीट उसके लिए बहुत जरूरी हो, वो केजी के मैं 0.5 kg वीट के अगेंस्ट भी आपको 1 kg कॉटन दे दूंगा। तो देयर इज नथिंग यूनिफॉर्म एक्सचेंज रेट, देयर इज नो यूनिफॉर्म एक्सचेंज रेट। आप किसी शख्स से ये नहीं कह सकते एक किलो कॉटन के अगेंस्ट पूरी मार्केट के अंदर ना आप 2 kg गंदम बिकती है या 2 kg गंदम के अगेंस्ट 1 kg कॉटन मिलता है, तो कोई किसी शख्स को जिसकी जरूरत गंदम की ज्यादा है वो हो सकता है 0.5 kg गंदम के अगेंस्ट 1 kg कॉटन देने को तैयार हो जाए। तो एक्सचेंज की वैल्यू, रेट ऑफ एक्सचेंज, दैट इज डिफिकल्ट। 1 bag ऑफ ग्रेन इज ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू टू 1 bag ऑफ वूल, However, how much is 1 apple worth or 2 loaves of bread? Fixing a measure across different product type is near enough impossible. हर एक चीज के लिए, या एक शख्स को गंदम चाहिए थी उसने कपास लेके ले ली, दूसरे शख्स को गंदम चाहिए थी वो एप्पल लेकर आ गया, अब एप्पल के अगेंस्ट गंदम की क्या, तीसरे शख्स को गंदम चाहिए थी वो ऑरेंज ले आया, चौथे शख्स को गंदम चाहिए थी वो ब्रेड ले आया, तो अब हर एक के अगेंस्ट वैल्यू डिटरमिन करना, एक्सचेंज रेट डिटरमिन करना, दैट इज कॉम्बर्सम। देन स्टोरिंग, सेविंग, आपकी जो वैल्यू है, जो भी प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है आज, और उस प्रोडक्शन को वो इस्तेमाल करना चाहता है या उससे जो मेहनत करता है उसकी कमाई को वो ओवर द पीरियड खाना चाहता है, ऐसा ही है ना। जो किसान है
वो बेचारा अपनी मेहनत करता है, मेहनत करके 6 महीने बाद एक फसल उगाता है, तो उस 6 महीने की के बाद जो फसल उगाता है उससे उसी दिन ही तो इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा ना सारी की सारी अपनी फसल को, वो फसल को अगले 6 महीने अगले साल के लिए उसके अंदर से इतनी इनकम रखाएगा रखना चाहेगा कि वो उसका अगला साल आसानी के साथ गुजर सके। ऐसा ही है कि नहीं है? हम जो मैनेज करते हैं, जो मेहनत करते हैं, हम आज के दिन मेहनत की, आज के दिन किसी ने खाना खिला दिया तो ये तो हम तो इसलिए मेहनत नहीं करते कि आज के दिन कहीं खाना मिले हमें, हम तो इसलिए भी मेहनत करते हैं कि यार हम मेहनत करते हैं, चलो कोई फ्यूचर की नीड्स को भी हम सेव कर लें, कोई सेविंग्स रख लें, कोई अपने अपने वेल्थ हम इंक्रीज करें, वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश करें। तो अगर आप गुड्स के अंदर ही अपनी वेल्थ को रखेंगे, आपकी वेल्थ कैन ओनली बी स्टोर्ड इन गुड्स, कि आपकी जनाब कितने आपके पास गंदम है, कितनी आपके पास चेयर्स हैं, सोफे हैं, कितने आपके पास जो कोई एप्पल्स हैं, तो आपकी वेल्थ सारी की सारी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर है। तो गुड्स के अंदर जब आप वेल्थ को स्टोर करते हैं, तो हमने तो ये भी देखा है कि जो आपकी पेरिशेबल गुड्स हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने प्रोडक्शन की, आपने इतनी मेहनत की, आलू उगाए, थोड़े दिनों के बाद आलू पता है कि रॉटन हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। गंदम उगाई, गंदम थोड़े दिनों के बाद पता है कि खराब हो जाएगी। आपने और खाने की चीज से उगाई, आपको पता है कि खराब हो जाएगी। तो यू विल नॉट बी एबल टू सेव योर एफर्ट फॉर फ्यूचर। If a baker uses bread as medium of exchange, how will he store value? The bread he bakes will have no value if it is stale. Also, should a carpenter wish to save, he would need a lot of space to store his tables, which would be used in exchange. Then, barter ki ek aur problem, divisibility. Mere paas ek gaay hai aur main ek murgi khareedna chahta hoon. तो मैं अब ये नहीं कह सकता कि यार गाय की एक टांग ले लो और मुझे एक मुर्गी दे दो। डिविजिबिलिटी का फैक्टर भी आएगा। मेरे पास कोई टेबल है, बड़ा सा टेबल है, और मैं एक ब्रेड खरीदना चाहता हूं, तो वो मैं ब्रेड का खरीदने के लिए टेबल की कोई एक कोना बेचने को या डिवाइड करके उसको देने के लिए शायद मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी विल बी ए प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर ये हमें प्रॉब्लम्स आई, एबिलिटी टू एक्सचेंज, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की बात आई, रेट ऑफ एक्सचेंज की बात आई, स्टोरिंग सेविंग्स की बात आई, डिविजिबिलिटी की बात आई। तो बार्टर सिस्टम के अंदर ये हमारे प्रॉब्लम्स थे जिनको हमें हमें मनी ने सॉल्व करके दिया। मनी क्या है फिर, ये इन सब बातों से हमें समझ आई मनी क्या है। मनी कहते हैं जी कि मनी इज नथिंग, मनी इज नथिंग, रकम कोई चीज नहीं है। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है, जो मनी अपने फंक्शन क्या, जो काम कर रही है मनी, जो काम कर रही है वो जो काम है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। तो हमें फंक्शंस ऑफ मनी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा मनी को समझने के लिए, फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? फंक्शंस ऑफ मनी है, मनी वर्क्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आजकल आप कहते हैं कि मुझे 1 किलो गंदम चाहिए, तो कोई बात नहीं,
आप मार्केट में जाइए, अपने वैसे गंदम की कीमत पे करें, यू विल बी एबल टू बाय दी 1 kg ऑफ व्हीट, तो प्रॉब्लम है। आज मैं कहता हूं जी कि मेरे पास एक मेज है, मैं बेचना चाहता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गो टू द मार्केट एंड सेल द टेबल एट योर प्राइस। आप अपनी प्राइस से टेबल को सेल कर दें, लोग पैसे की जरिए से एक दूसरे के साथ चीजों को लेन देन कर लेते हैं। अब वो जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की बात हम करते थे वो खत्म हो गई है। अब मनी ने ये काम किया, उसने हमारे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात कर दी। आपको एसी चाहिए, कोई इशू नहीं है, आपके पास पैसे मौजूद हैं, यू हैव द मनी, गो टू द मार्केट एंड परचेज द एसी। आपको कोई मनी इज making it possible for each and every person to buy what they want. Uski ek important feature hai money ka, rakam ka ek important feature hai. Acha bhai jaan, baat ye hai ki hum ye padh kyun rahe hain, aapke dimag mein ye sawal aana chahiye ki janab sir ji aapne aate saath hi money shuru kar diya, wo gaane wali baatein bhi shuru kar di, hain ji money aur honey wali baatein shuru kar di और उस तरह की बातें आपने शुरू कर दी है आज के दिन, तो आप तो ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? तो हम मनी या इसके फंक्शंस या इसकी करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ के हम क्या समझना चाह रहे हैं? हम अपनी इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन का एलिमेंट आता है उसको समझना चाह रहे हैं। अगर हमें हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की एक बेसिक अकाई, जिसको हम मनी का नाम देते हैं, इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें अपनी इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइसेस एक परसिस्टेंटली ओवर द पीरियड राइज करती हैं, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब वो जो इन्फ्लेशन है उसको अंडरस्टैंड करना, उस तक पहुंचना, उसके राज को हासिल करना, उसके लिए हमें हमारी जरूरत है कि हमारे पास हमारी इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है विद द हेल्प ऑफ मनी, वो हमारे पास उसकी नॉलेज जरूर हो। सो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग एन एफर्ट to understand, to realize the importance of the money. ठीक है जी, आपको overall topic के साथ linkage जरूर होना चाहिए। money को अगर हमें ना पता हो, ना चीजों के money के बारे में आ रही है understanding हो, हमारी economy में किस तरीके के साथ transactions होती हैं इसके बारे में understanding ना हो, तो हम अपनी इन्फ्लेशन के बारे में बात नहीं कर सकेंगे। जब इन्फ्लेशन की बात नहीं कर सकेंगे, हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के हवाले से बात नहीं कर सकेंगे, इकोनॉमिक सेंस की, इकोनॉमिक डायरेक्शन की बात नहीं कर सकेंगे। सो मनी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमिनिंग द प्राइसेस ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ऐसा ही है ना? आज मैं क्योंकि प्राइसेस किसने हो, प्राइसेस किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? एसी की प्राइस में इजाफा हुआ, हमने ये कहा इन्फ्लेशन। तो प्राइस में इजाफा का मतलब क्या है कि पिछले साल एसी मिलता था फॉर एग्जांपल 40,000 रुपए का, इस साल एसी मिलता है 50,000 रुपए का, तो क्या आ गया? रुपए बीच में इन्वॉल्व हो गए, मनी इन्वॉल्व होगी। अगर हमें मनी के करैक्टरिस्टिक्स नहीं पता तो हम इस चीज को नहीं समझ सकेंगे ये 40,000 से 50,000 क्यों हुआ है। आई समझ? मैं उस गानों के लिए ये मनी नहीं कर रहा, मैं ये इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, समझने के लिए मनी कर रहा हूं। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके लिए फिर हमें फंक्शन ऑफ मनी समझने हैं।
फंक्शन ऑफ मनी क्या है जी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और यूनिट ऑफ अकाउंट वैल्यू है। अब वो वैल्यू आपस में जो हमने डिसाइड करनी है, आपस में जो हम वैल्यू की बातें करते हैं वो यूनिट, फॉर एग्जांपल मैं पूछूं यार ये एक एयर कंडीशनर जनाब ये $1,000 का है और पाकिस्तान में ये एयर कंडीशनर ₹40,000 का है, तो क्या होगा? अब डॉलर के साथ कहने से और रुपए कहने से हमारी कॉन्सेप्ट बदल गया, बदला ना, हमारा यूनिट बदल गया, किस यूनिट्स के अंदर हम कर रहे हैं, वो 1,000 हो गया, वो 40,000 हो गया, ऐसे ही हुआ। हालांकि हालांकि दोनों के अंदर बिक क्या रहा है, एयर कंडीशनर, दोनों सिचुएशन में एयर कंडीशनर को बेच रहे हैं, बट दी इन रुपीज टर्म्स हम उसकी वैल्यू को डिटरमिन करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास मनी की जरूरत पड़ेगी हमें। हमारे पास अगर मनी की कॉन्सेप्ट नहीं होता, हम उसकी वैल्यू को मुख्तलिफ इकोनॉमीज के अंदर डिटरमिन ना कर पा रहे होते। हमें बार्टर के जो प्रॉब्लम आने थे कि एक्सचेंज रेट हम डिटरमिन ना कर पाते, हमें वो प्रॉब्लम आते। अब मनी की वजह से हमें हर एक शख्स को अपनी अपनी जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू का पता है, अपनी अपनी वेल्थ का पता है, हर शख्स देख लेता है एक ही, अगर मनी टर्म्स के अंदर एक ही यूनिट के अंदर आप कर लें सारे डॉलर्स के अंदर, पूरी दुनिया में जी $1,000,000 से अबव के वेल्थ वाले इतने लोग हैं, अब वो हम कंपेयर कर पाते हैं पूरी दुनिया के लोगों की मलकियत को, लोगों की दौलत को कंपेयर कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं कंपेयर? क्योंकि हमारे पास यूनिट इस तरह का अवेलेबल है जिसकी टर्म्स के अंदर अगर हम एक्सप्लेन कर लें तो हम कंपैरिजन की बातें भी देख सकते हैं। फिर स्टोरेज ऑफ वैल्यू, जो बार्टर के अंदर मसला आता था कि वो स्टोरेज नहीं कर सकते, अब कोई इशू नहीं है। अगर किसी ने गन्ना उगाया है फॉर एग्जांपल, तो वो जाके बेच दे, उसके अगेंस्ट पैसे ले ले, उन पैसों को वो अगले पूरे साल के लिए इस्तेमाल कर ले, कोई उसके ऊपर कदगन नहीं है, उसकी जो वैल्यू उसने एफर्ट्स की थी उन वैल्यू एफर्ट्स को ही कैन इजीली स्टोर। वो आपकी जो एफर्ट्स हैं आज के दिन की जो एफर्ट्स हैं उनको आप फ्यूचर में उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, आपकी इकोनॉमिक वैल्यू, आपकी वेल्थ विल बी रिमेन द सेम, आपकी इकोनॉमिक वैल्यू वेल्थ स्टोरेज की सिचुएशन में आ सकती है, सेविंग की सिचुएशन में आ सकती है विद द हेल्प ऑफ द मनी। अगर मनी ना हो तो हमने देखा था कि आपने अगर फॉर एग्जांपल गन्ना उगाया और गन्ना एक महीने बाद खुश्क हो गया, खराब हो गया, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, आप गन्ने को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से कोई किसाई है, वो अगर गोश्त को सेव करना चाहता है तो वो सेव नहीं कर सकेगा, उसका गोश्त कुछ अर्से बाद खराब हो जाएगा, लेकिन मनी की सिचुएशन में हम इसको स्टोरेज ऑफ वैल्यू कर सकेंगे। और फोर्थ इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या है? डेफर्ड पेमेंट है कि आप आज किसी शख्स को कहते हैं यार मुझे 1 किलो चीनी दे दें और मुझसे एक साथ बाद पैसे ले लीजिएगा, बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता? बार्टर सिस्टम में हम कहते हैं यार आई नीड 1 kg शुगर टूडे, आई विल रिटर्न 1 kg शुगर 1 year after।
कि मैंने आपसे एक केजी शुगर ली थी और एक केजी शुगर ही आपको वापस कर दी, तो वो शख्स कहेगा यार पिछले साल जब आपने एक केजी शुगर मुझसे ली थी उसके अगेंस्ट उस वक्त शॉर्टेज थी, लोगों के पास शुगर मौजूद नहीं थी और उस जमाने में ये जो शुगर थी इसके अगेंस्ट मुझे 2 किलो गंदम मिल जाती थी। आज जब आप मुझे ये शुगर वापस करने आए हो, आज को 1/2 किलो गंदम इस शुगर के अगेंस्ट मिलती है क्योंकि शुगर वाफर मिकदार में लोगों के पास अवेलेबल है। लेकिन आप कहेंगे यार मैंने तुमसे 1 किलो शुगर ली थी, बहुत शुक्रिया, आई एम रिटर्निंग यू 1 kg ऑफ शुगर, अल्लाह अल्लाह ते खैर इंशाल्लाह। तो वो प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम के अंदर जब आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स करते थे। बट इन करंट सिनेरियो यू विल ट्रांसफर इट इन अनदर टर्म। आप कहेंगे कि 1 kg ऑफ शुगर, टुडे यू नीड 1 kg ऑफ शुगर, दैट्स कॉस्ट ₹100। सो आप मुझसे 100 रुपया ले लीजिए और साल के बाद मुझे आप 100 रुपया वापस कर दें, ₹100, इररिस्पेक्टिव कि शुगर की कीमत साल के बाद 50 रुपये हो गई या साल के बाद 150 रुपया हो गई, हम उसकी बात ही नहीं करते। हम आसानी कर लेते हैं, अपने एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं डेफर्ड पेमेंट का और उस स्टैंडर्ड के ऊपर हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि ये शुगर की कीमत ₹50 हो चुकी हो, हम इस बात में इस बहस में नहीं पड़ते, हम आपस में लेन देन एक मनी की टर्म्स के अंदर स्टैंडर्ड में कर लेते हैं, तो इसके ऊपर हम आपस में कर लेंगे इस मामले को कि मार्केट में वैल्यू क्या ऊपर चलेगी नीचे चलेगी, उस बात को हम छोड़ देते हैं। सो वी विल बी एट ईज विद ईच अदर विद डेफर्ड पेमेंट, हमारे लिए प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है जी, इसमें मुश्किल तो नहीं हुई। Act as medium of exchange, allowing economic agents to exchange goods without the need to barter. To act as unit of account, allowing people to compare the relative price of goods and services through a common denomination. Act as store of value, allowing people to forego immediate consumption if they have a surplus of resources and to retrieve it at a later date in order to consume. जिस तरह हमने कहा गन्ना आज बेच दें, नेक्स्ट ईयर जब आपको जरूरत पड़े परचेस कर लें, आप अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। टू एक्ट एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अलाउंग पीपल टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज इन करंट टाइम पीरियड वाइल कंटिन्यूस टू पे इन फ्यूचर पीरियड में आप उसको पे कर दें। जैसे हमने यहाँ पे कहा आज आपको शुगर चाहिए, आज ले लीजिए, ₹100 हम आपस में तय कर लेते हैं, इसकी कीमत है ₹100, आप साल के बाद आप हमें दे दें, कोई इशू नहीं है। अब इन्फ्लेशन भाईजान आ गए, इन्फ्लेशन भाईजान आए, उन्होंने हमारी जो सारी की सारी हमने मनी की करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ना, तो मनी की करेक्टरिस्टिक्स की ऐसी की तैसी फेर देते हैं, मनी के फंक्शन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मनी के फंक्शन को डिस्टॉर्ट कैसे करेगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज को कैसे करेगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू, अब पहले हमने कहा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, हमने कहा कि जनाब 1 kg शुगर ₹50 per kg, ये हमने कहा दिस इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज ₹50। अगले साल इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ कि आपकी जो वैल्यू थी ₹100 per kg होगी। जी अगले साल, जी अलीशा का ख्याल है कि वो भी हम देखेंगे, वो भी किस लिए वैल्यू डिक्रीज हुई अलीशा, ये जो डेफर्ड पेमेंट की हम बात कर रहे हैं, अलीशा को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वो कह रही है कि जी के 100 की वैल्यू अगले साल डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि इन्फ्लेशन हो चुकी होगी। अगर इन्फ्लेशन ना होती
आप सेम वैल्यू पे रहते हैं तो 100 रुपया आज और 100 रुपया साल के बाद आपका इम्पैक्ट सेम रहता, लेकिन इन्फ्लेशन डेफर्ड पेमेंट के ऊपर भी असरअंदाज होगी। अच्छा, अब यहाँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के ऊपर भी इन्फ्लेशन असरअंदाज होगी। अब लोगों को जब प्राइसेस के अंदर वेरिएशन आ रही होती है तो लोगों की जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की वैल्यू है वो भी फर्क होती है। इसी पीरियड के अंदर हो सकता है शुगर तो 100 रुपए पर केजी तक चली गई, लेकिन पेट्रोल इनिशियली अगर 100 रुपीज पर केजी था तो ये 110 रुपए पर केजी पे चला गया। तो इन्फ्लेशन प्राइसेस को डिस्टॉर्ट करती है, इन्फ्लेशन आपकी एक्सचेंज वैल्यूज को डिस्टॉर्ट करती है। अगर आप पहले 2 केजी शुगर के अगेंस्ट 1 केजी पेट्रोल ले सकते थे, अब आप कम शुगर के अगेंस्ट 1 केजी पेट्रोल ले सकते हैं। क्यों? हालांकि कोई क्वांटिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, आपकी 1 केजी और 1 लीटर क्वांटिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, बट आपकी एक्सचेंज रेट ड्यू टू इन्फ्लेशन वो फर्क पड़ गया, एक्सचेंज रेट का फर्क पड़ गया। इस वजह से आपको नजर आ रहा है कि अच्छा यार हो सकता है 1 लीटर, फॉर एग्जांपल ये 100 ही रहा, 1 लीटर और 1 केजी आपस में यहाँ पे बराबर हो गए, दोनों के एक्सचेंज रेट को आपने खराब कर दिया। किसने खराब किया? इन्फ्लेशन के इफेक्ट ने। ये इसके ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं आया, ये 100 का 100 ही रहा, लेकिन इसके इन्फ्लेशन के इफेक्ट ने एक्सचेंज को पहले 1 लीटर 2 केजी वाज इक्वल टू 1 लीटर, नाउ 1 केजी इज इक्वल टू 1 लीटर इस इन्फ्लेशन में। हालांकि ये कोई उसकी लॉजिक नहीं, सिर्फ क्या हुआ आपकी इन्फ्लेशन ने उसको खराब किया। फिर यूनिट ऑफ अकाउंट के ऊपर भी प्रॉब्लम आता है, रिलेटिव प्राइसेस बिटवीन गुड्स एंड मेकिंग कंपैरिजन डिफिकल्ट। कंपैरिजन जो यूनिट ऑफ अकाउंट आपने कहा था कि कंपैरिजन, वही कंपैरिजन यहाँ पे भी डिफिकल्ट हो रहा है। आप ये 2 केजी 1 लीटर, 1 केजी 1 लीटर, यार ये क्या तरीके वारदात चल रहा है भाई, ये किस तरफ जा रहे हैं हमारी दुनिया, हमारे समझ नहीं आएगी। तो इन्फ्लेशन हमारे यूनिट ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू को भी, यूनिट ऑफ अकाउंट की वैल्यू को भी खराब करता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, ये जो बड़ा प्रॉब्लम था जो अभी हमें डेफर्ड पेमेंट के अंदर भी और स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर भी हमें नजर आया कि आज के दिन फॉर एग्जांपल स्टोर ऑफ वैल्यू क्या था कि आज के दिन हमने कहा कि यार मेरे पास आई हैव 1 केजी ऑफ शुगर, 1 केजी गन्ना समझ, शुगर केन समझ लेते हैं, आई डोंट नीड दिस, मेरे पास 1 केजी एक्स्ट्रा शुगर केन है, मुझे अभी जरूरत नहीं है। मैं इसको क्या करता हूं, हमने इसको कहा था कि आप इतना कीजिए, अगर आपको जरूरत नहीं है आप स्टोर कर लें, ₹100 आप में आप इसको बेच दीजिए। तो यार लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे अगले साल 1 केजी शुगर केन चाहिए, नेक्स्ट ईयर मुझे कंज्यूम करना है, मैं आप क्या करूंगा। हमने उनको कहा था कोई इशू नहीं है, आपके पास जब मनी मौजूद होगी यू कैन इजीली बाय इट फ्रॉम द मार्केट, आपको जरूरत होगी मार्केट से परचेज कर लें। लेकिन अब क्या हुआ कि अब तो आपने पिछले साल लिया था 100 रुपया, अब आप मार्केट जाते हैं ₹100 लेके, तो अब वो कहते हैं नहीं सर अब आपको 1 केजी नहीं मिल सकेगा, 0.5 केजी आपको मिलेगा। क्यों भाई क्यों? उन्होंने कहा जी कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई हुई है, अब 1 केजी शुगर केन इज ऑफ ₹200, 1 केजी शुगर केन इज ऑफ ₹200, तो आपके पास जो 100 रुपीज थे जो आपने 1 केजी शुगर केन बेच के कमाए थे उसके अगेंस्ट अब आपको सिर्फ 0.5 केजी शुगर केन मिल सकेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन ने आपकी वैल्यू को हाफ कर दिया, वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीज, वैल्यू ऑफ मनी इज लोअर्ड, परचेजिंग पावर कम हो गई है। परचेजिंग पावर कम होती है कि नहीं होती? इन्फ्लेशन क्या करती है? परचेजिंग पावर के ऊपर असर करती है। आपकी मनी की जो परचेजिंग पावर है उसके ऊपर असर अंदाज होती है।
कैसे अंदर अंदाज होती है. फॉर एग्जांपल आज मेरे रुपीज 50 में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है और साल के बाद जब इन्फ्लेशन आ गई तो इन्फ्लेशन ने क्या किया, इन्फ्लेशन विल डू दिस. इन्फ्लेशन में आपका पेट्रोल की कीमत बढ़ गई रुपीज 100 पर लीटर. उससे क्या होगा, जो आपके 50 रुपए आज थे इनकी परचेजिंग पावर कम हो गई. दोज 50 रुपीज विल ओनली परचेज हाफ लीटर ऑफ पेट्रोल. इन्फ्लेशन ने 50 से जो 100 पे 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस गई, उसने क्या किया, परचेजिंग पावर ऑफ मनी को कम कर दिया. परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मनी की परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन मनी की परचेजिंग पावर को कम करता है. और जब मन परचेजिंग पावर कम होती है उससे आपकी आपकी जो स्टोरेज ऑफ वैल्यू है उसके अंदर मसला पड़ता है. और डेफर्ड पेमेंट्स, जो हमने कहा कि 100 रुपया आज ले लें और 100 रुपया साल के बाद, तो भाई ये 100 रुपया तुम मुझे वापस दे रहे हो डेफर्ड पेमेंट, लेकिन रुपयों की कदर तो अब वैसे ही नहीं रही. तो इसी वजह से उसके ऊपर फिर लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि जी इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए अगर 10% इन्फ्लेशन थी तो हम 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, सूद इसके ऊपर चार्ज करेंगे. लॉजिक बिहाइंड इट के जी कि उसकी इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर ऑफ द मनी हैज डिक्रीज्ड. दैट इज द लॉजिक बिहाइंड द चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट. मनी के अंदर एक और चीज भी होती है. मनी फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू. मनी की फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू. फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू जो उसके चेहरे के ऊपर लिखा हुआ, प्रिंटेड ऑन फेस ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का नोट है तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जनाब इसकी वैल्यू 100 रुपीज है, लिखा हुआ फेस वैल्यू, रिटन ऑन द फेस ऑफ इट. आपको उसके ऊपर सोचना नहीं पड़ता कि इसकी वैल्यू क्या है, रिटन है. 5,000 रुपए का नोट है, लिखा हुआ है ऊपर, उसकी वैल्यू लिखी हुई है ऑन द फेस ऑफ इट. सिक्का 5 रुपए का सिक्का है, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये 5 रुपए का सिक्का. दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू, रिटन ऑन इट. उसके ऊपर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगाई हुई है. गवर्नमेंट ने कहा कि नाउ दिस वैल्यू, दिस कॉइन, दिस पेपर हैज दिस मच वैल्यू. वो उसके ऊपर लिखा हुआ है फेस वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है वैल्यू ऑफ मनी एज मेटल ऑफ मटीरियल यूज इन इट. मटीरियल जो यूज किया, फॉर एग्जाम्पल सोने के क्वाइंस पहले चलते थे. सोने के क्वाइंस क्या होते थे, सोने के क्वाइंस का हमें पता था कि जनाब इसकी फेस वैल्यू जो भी है, लेकिन इसके अंदर 1 किलो या जितना भी सोना एक स्टैंडर्ड अशरफी के अंदर होता है वो यूज किया गया हुआ है. तो उस मटेरियल की वजह से उस एक्सचेंज की वैल्यू बनती थी, उस मनी की वैल्यू बनती थी, वो मटेरियल इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाता था. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी एक पिछले दिनों एक इशू आया था, 2 रुपए का कॉपर का सिक्का इशू किया गवर्नमेंट ने, 2 रुपए का कॉपर का सिक्का.
लोगों ने क्या किया, उसके अंदर जितना कॉपर यूज किया गया था ना, उसकी कॉपर की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई। और अगर उस कॉपर को आप पिघला लेते थे तो उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू 2 रुपए से ज्यादा बन जाती थी, उसके अंदर जो कॉपर मौजूद था। तो बहुत सारे लोगों ने ये किया कि वो सिक्के को उन्होंने पिघला लिया और उसमें से जो कॉपर थी उसको इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि जो उसकी फेस वैल्यू थी वो कम हो गई थी और जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, उसकी जो मटेरियल की वैल्यू थी वो ज्यादा हो गई थी, और उस मटेरियल की वैल्यू को उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया और मटेरियल को उन्होंने पिघला कर यूज करना शुरू कर दिया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू एज वी द मटेरियल यूज इन इट। ठीक है जी, देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कमोडिटी मनी, कमोडिटी बैक मनी एंड फिएट मनी। Let's go to the book. हम उस बुक से इसको चीजों को देखें। काइंड्स ऑफ मनी, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या है? कमोडिटी मनी हम कह रहे हैं जिस तरह से गोल्ड था, इंट्रिंसिक वैल्यू, आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। जिस तरह से गोल्ड कॉमन इज गोल्ड, एज दिस इज सेट टू होल्ड वैल्यू aside from its monetary property as it's used in jewelry and other goods. Then we have commodity backed money. Commodity backed money kya hai? Ki government note issue karti hai aur note ke upar dekha hai aapne kabhi likha hota hai hamle haza ko mutalba par ada kiya jayega. To wo gold sab logon ko या मार्केट में ओपनली लेके घूमना खतरे वाली बात हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट गोल्ड का रिजर्व गवर्नमेंट रख लेती है और गवर्नमेंट कहती है कि इस रिजर्व के अगेंस्ट हम मनी या करेंसी इशू कर देते हैं। उस करेंसी के पीछे सपोर्ट में वो रिजर्व ऑफ मटेरियल, प्रीशियस मटेरियल मौजूद होता है। अगर किसी शख्स ने कहे कि जी कि मुझे मुझसे आप ये करेंसी नोट ले लें और इसके अगेंस्ट मुझे मटेरियल दे दें, तो वो कमोडिटी बैक्ड मनी के अंदर ये चीज पॉसिबल है कि गवर्नमेंट उसकी करेंसी नोट्स ले ले और इकोनॉमी के अंदर मटेरियल दे दे जिसकी कि इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। अब गवर्नमेंट के करेंसी नोट की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, उसका अंदर जो पेपर लगा होता है वो 5,000 रुपए का, अंदर जो पेपर लगा है वो 5,000 रुपए का नहीं है, उसकी सिर्फ फेस वैल्यू है, जिसकी वजह से, और फेस वैल्यू क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपनी गारंटी दी हुई है कि इस नोट के अगेंस्ट मैं 5,000 रुपए का सोना आपको दूंगी, अगर वो कमोडिटी बैक्ड मनी है तो। देन फिएट मनी, फिएट मनी क्या है? जहां पे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, नो इंट्रिंसिक वैल्यू, सोली सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने कह दिया 5,000 रुपया, उसके पीछे कोई गोल्ड का रिजर्व नहीं है, सिर्फ इसलिए लोग एक दूसरे के साथ वो 5,000 रुपए को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटी से उसको इश्यू किया और गवर्नमेंट वो कहती है कि मेरी डिग्री है, मैं इसको इंडोर्स करती हूं, ये रुपए 5,000 रुपए के नोट के तौर पे इस्तेमाल किए जाए। ठीक है जी, देन वी हैव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी के जनाब ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी क्या कि नोट अगर खराब हो जाए, फटाफट एक हाथ से दूसरे हाथ में जाए, खराब हो जाए, फट जाए, तो क्या होगा, ज्यादा अरसे तक नोट करेंसी सर्कुलेशन में नहीं देगी और इस वजह से ड्यूरेबिलिटी का एक इम्पैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देन हमारा डिविजिबिलिटी, ये नहीं होना चाहिए कि 5,000 रुपए के ही नोट सिर्फ हों, 5,000 की बजाय आप 500 के नोट भी हों, 1,000 के भी हों, 100 के भी हों, 10 के नोट भी हों, 5 रुपए का सिक्का भी हो, 2 रुपए का सिक्का भी हो, 1 रुपए का सिक्का भी, डिविजिबिलिटी हो ताकि लोग आपस में जब एक्सचेंज करें तो वैल्यू को वो
डिविजिबल वैल्यू के अंदर, डिविजिबल नंबर्स के अंदर, मैक्सिमम मिनिमम कैपेसिटी के अंदर वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेबिलिटी, आपकी जो मनी है उसको बहुत इकोनॉमी के अंदर दूर दूर जगहों पे इस्तेमाल होना है। जैसे पाकिस्तान में भी करेंसी नोट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करते हैं, लेकिन ये फाटा के अंदर भी बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा होगा और भी बहुत सी जगहों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इसकी मुश्किल नहीं है। अगर आप नोट 5-5 किलो का एक नोट बना दें 100 रुपए का, तो क्या होगा लोगों के लिए उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेबिलिटी होना मनी के अंदर जरूरी है। नॉन काउंटरफिट एबिलिटी, कि आपके जो नोट है उनको जाली नोट बनाने की सलाहियत ना हो, लोग उसकी नकल ना बना सकते हो, ये भी आपने बनानी है, करना है, इंश्योर करना है। लेट्स कंक्लूड हियर, लेट्स मीट टुमारो और इंशाल्लाह फिर आगे इससे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई जी, आप लोग जरूर अटेंड करें इस चैप्टर को सारे को जी। अल्लाह हाफिज़।